आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी एक वेरी प्रख्यात एक ऑथर है पूरे वर्ल्ड में। वो एज अ फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में काफ़ी सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं, तो उसी बुक का मैं थोड़ा सा पार्ट मैं आपको समझाने चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जितना भी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, तो उनको उन्होंने 5 लेवल पे उन्होंने कैटेगराइज किया है। उनको बोलते हैं 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, तो 5 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर। तो 5 अपन लेवल देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के कौन से 5 लेवल होते हैं। तो पहला लेवल उन्होंने बताया कि पूरे पॉपुलेशन को उन्होंने कैसे कैटेगराइज किया। तो लेवल 1 जो इन्वेस्टर होते हैं, तो उनको लिटल फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, या आप समझो कि उनको 0 लेवल का फाइनेंशियल एजुकेशन होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि उनको इनकम ज़्यादा नहीं है, दे हैव लॉट ऑफ इनकम, उनको बहुत सारा इनकम होता है, बट वो कौन सी चीज़ें पे खर्चे करता है, तो एक्सपेंसिव कार्स परचेस करते हैं, देन क्रेडिट कार्ड पे मोस्ट ऑफ दी पैसा खर्च करते हैं, देन लार्ज मतलब कि एक्सपेंसिव होटल्स में वो फूड पे ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव वॉचेस, एक्सपेंसिव ड्रेसेस, दे लुक लाइक रिचेस्ट पीपल, बट आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो उनका बैंक अकाउंट्स में डेप रहता है। सो दे मतलब कि अपने को दिखता है कि दे आर वेरी रिच, बट उनका बैंक डिटेल्स देखो तो वहाँ पे कर्जा होता है, बहुत सारा कर्जा होता है, ठीक है। तो इट डजेंट मीन दैट कि उनके पास इनकम भी, ऐसे लोग हैं जिनका इनकम ज़्यादा है बट उनका एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा है। देयरफॉर ये ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत लो लेवल का होता है। तो दूसरे टाइप का फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि रियल इस्टेट जो एजेंट होते हैं, वो लोग भी क्या होता है कि जब मार्केट बूम होता है तो काफ़ी सारे पैसे कमा लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि काफ़ी इन्वेस्ट करना है, जहाँ से उनको कौन से असेट में इन्वेस्ट करना है, जहाँ से अगर मार्केट क्रैश हो गया, फॉर एग्जांपल 2007 का आप एग्जांपल देखेंगे तो पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, रियल मार्केट क्रैश हो गया था, तो जितने भी रियल एस्टेट एजेंट थे तो आपने देखा ही होगा, बट उन्होंने ऐसे कई जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया जहाँ से पैसा आते रहे, कैश फ्लो आते रहे, ठीक है। तो दूसरा अपन दूसरे लेवल पे जाते हैं कि वो लोग हैं लेवल टू मतलब कि जो सेवर्स होते हैं, मतलब कि वो बिलीव करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में सेव करना है, या बॉन्ड मार्केट में सेव, बॉन्ड में सेव करना है, ट्रेजरी में सेव करना है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो सेव के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा भी एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल कि मेरे डैड भी ऑलवेज बोलते हैं कि मेरे पिताजी बोलते हैं कि यस फिक्स डिपॉजिट करना है, कुछ भी मनी आए तो बस फिक्स डिपॉजिट करना है, तो बोलते हैं कि 7% मिल रहा है या 8% मिल रहा है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा सोचे कि जो कंट्री है कंटिन्यूसली प्रिंटिंग मनी कर रहा है, मतलब कि वो करेंसी प्रिंट कर रहा है, अगर करेंसी वो डे बाय डे प्रिंट कर रहा है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, एंड आपको जो 7% बैंक से मिल रहा है लेकिन आपका इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो 7-8% जा रहा है, मतलब आप एक्चुअली देखेंगे तो 2% आपका लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे टाइप का, ये ऐसे लेवल का, इसको बोलते हैं लेवल टू, मतलब कि जो सेवर्स होते हैं। तो आज से एक ध्यान में रखो कि सेवर्स आर द बिग लूजर्स, ठीक है ना। तो जो सेव कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि बैंक से हमको 3% मिल रहा है, लेकिन आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो 5% बढ़ रहा है, तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, तो 2% लूज कर रहे हैं। देन अगेन आप देखेंगे तो 2007 का यूएसए में जो बिग क्रैश हुआ था, ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ सेवर्स पीपल से ही उनका ही लॉस हो गया जिन्होंने ज़्यादा मनी सेव किए थे। देन अपन थर्ड लेवल पे जाते हैं कि लेवल 3, वो लोग बोलते हैं कि आई एम टू बिजी, ऐसे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं बहुत टू बिजी हूँ, मतलब कि काफ़ी बिजी हूँ। तो बिजी किस किस में होता है, तो एक तो करियर में बिजी होता है, फैमिली में बिजी होता है, वैकेशन में बिजी होता है, तो ऐसे लेवल में वो इस टाइप में वो बिजी होता है। तो वो क्या करता है कि अपना जो मनी है किसी दूसरे को मैनेज करने के लिए देता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक्सपर्ट कोई दूसरा होता है जो आपका मनी मैनेज करता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मार्केट क्रैश भी हो गया या आपका पैसा डूब भी गया या आपको काफ़ी फेल्यूर भी हो गया, तो लर्निंग आपको नहीं होता है ना। तो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखेंगे तो यू हैव नो एक्सपीरियंस, इवन इफ अ बैड एक्सपीरियंस भी आ गया तो भी आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, देयरफॉर
आप क्या करते हो ना, आप लर्न करने के लिए तैयार नहीं होते हो, बिकॉज बैड एक्सपीरियंस जो होता है वो आपके साथ नहीं होता है, बराबर है, बिकॉज जो लूज हुआ होता है वो पैसा आप किसी दूसरे को देते हैं। तो इस मीन्स दैट टू बिजी जो पीपल होते हैं, जो करियर में बिजी होते हैं, वैकेशन में बिजी होते हैं, वो किसी दूसरे को पैसा मैनेज करने के लिए देते हैं, एंड दैट आर द थर्ड लेवल ऑफ पीपल, थर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन फोर्थ लेवल का इन्वेस्टमेंट है, दैट इज आई एम अ प्रोफेशनल, वो टाइप के लोग होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉय पीपल, सेल्फ एम्प्लॉय पीपल मतलब ऐसे पीपल जो खुद का बिजनेस खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे किराना शॉप वाला, वो खुद का खुद ही देख रहे, देन डॉक्टर्स, ठीक है, खुद का खुद ही देख रहे, देन लॉयर्स खुद का खुद ही बिजनेस देख रहे। तो ऐसे लेवल के क्या होते हैं ना, खुद को ही बहुत स्मार्ट समझते, एक दो प्रोग्राम अटेंड करते रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट या रिगार्डिंग द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, एक दो एक प्रोग्राम अटेंड करते और इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं काफ़ी होशियार हूँ, मेरे को सब आता है, तो वो सोलो मतलब कि अकेला ही सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है ना। तो आप इसमें देखेंगे फॉर एग्जांपल कि उसमें कौन कौन से है, तो जो सेल्फ एम्प्लॉय पीपल होते हैं, जो प्रोफेशनल पीपल होते हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट नहीं देखता है, बहुत बड़ा मार्केट मतलब कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, वो नहीं देखता है, ठीक है। खाली स्टॉक ट्रेडिंग और रियल इस्टेट ये दो ही इसमें मतलब नैरो माइंडेड, देयरफॉर वो अगेन लॉसेस में जाते हैं। देन अगर अपन पांचवे लेवल पे जाएंगे, लेवल फाइव, कौन सा लेवल फाइव होता है, तो वो लेवल फाइव होता है दैट इज अ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब कि रियल बिजनेसमैन। बिजनेस किसको बोलते हैं, जो 500 की टीम हो जिसके पास, उसको अपन रियल बिजनेस बोलते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉय मतलब वो खुद ही अकेला काम करता है, खुद ही सब कुछ मैनेज करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपन पांचवे लेवल पे जो लोग होते हैं वो रियल कैपिटलिस्ट होते हैं, रियल बिजनेसमैन होते हैं, उनके साथ 500 लोग का टीम होता है। तो मैं जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस फर्क बताऊंगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद का व्यवसाय और बिजनेसमैन, ठीक है ना। तो वो टीम कैसा डिफरेंस होता है, तो फॉर एग्जांपल कि जो सेल्फ एम्प्लॉय पीपल बोलता है कि मैं खुद स्मार्ट हूँ, लेकिन बिजनेसमैन क्या करता है ना, लोगों के साथ चलता है और टीम के साथ चलता है, उसके पास उसके ज़्यादा भी स्मार्ट वाले पीपल उनके उसके टीम में रहते हैं। और बाद में आप देखेंगे तो बिजनेसमैन क्या करता है ना, अपने शेयर्स को जितने ज़्यादा शेयर्स करता है, मतलब कि अपने शेयर्स को जितने ज़्यादा वो सेल्स करता है, तो उतने ज़्यादा वो जल्दी से जल्दी रिचर एंटरप्रेनर बनते जाता है। देन अभी आपने एक मन देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कि टू माइंड्स बेटर देन दी सिंगल माइंड, तो एक ध्यान में रखो कि टू माइंड्स बेटर देन दी सिंगल माइंड। तो आप अभी कोशिश करो कि जितना ज़्यादा स्मार्ट लोगों का, आपसे भी स्मार्ट होगा तो अगेन बेटर है, जितना ज़्यादा स्मार्ट लोगों का टीम होगा उनके साथ आप सीखिए, उनके साथ इन्वेस्ट कीजिए। देन तो जो लेवल फोर का अपन ने जो बोले थे कि सेल्फ एम्प्लॉय, तो वो अगर अच्छे बिजनेस कोच के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे, खुद का फाइनेंशियल एजुकेशन इंक्रीज करेंगे, तो लेवल फाइव में पहुंच सकते हैं। देन बैंकर्स का आप देखेंगे, बैंकर्स का एग्जांपल, तो बैंकर्स लव डेप्टर, मतलब कि जो बैंक से कर्जा लेता है उनको बैंक पसंद करते हैं, उनको बैंक प्रेफर करते हैं, बिकॉज बैंक से लोन लेंगे तभी तो बैंक रिच बनते जाएंगे, तभी तो बैंक को इनकम मिलता जाएंगे। इट मीन्स दैट बैंक को भी ऐसे लोग चाहिए जो बैंक से कर्जा निकाले, इन्वेस्ट करे और बैंक को भी रिटर्न करे, सो दैट उसमें दोनों का फायदा है, ठीक है। देन जो इन्वेस्ट देयर ओन मनी, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है, वो खुद का मनी इन्वेस्ट करता है, लेकिन आप बिजनेस का देखेंगे, बिजनेस ओनर जो है, जो कैपिटलिस्ट है, वो क्या करता है, इन्वेस्ट द पीपल मनी, नॉट देयर ओन मनी, ठीक है ना। वो खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, तो लोगों का पैसा इन्वेस्ट करता है। तो एक पांच लेवल का इन्वेस्टमेंट डिफरेंस है। लेवल फाइव फॉर एग्जांपल, लेवल वन जिसको हार्डली थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज है, देन लेवल टू, ठीक है ना, तो वो बोलते हैं कि आई एम टू बिजी, देन लेवल थ्री आई एम प्रोफेशनल, देन लेवल फाइव बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट, ठीक है, जो पीपल होते हैं,
ठीक है, ऐसे 5 लेवल की इन्वेस्टमेंट है जो मैंने एक बुक से मैंने पढ़ा था, दैट इज अ कैश फ्लो क्वाड्रेंट रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी, काफी अच्छा बुक है, आप भी इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। काफी सारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, काफी सारे साइट पे, स्नैपडील, काफी सारे साइट पे अवेलेबल है, यू कैन परचेस। एंड मेरे को काफी अच्छा लगा, तो मेरे को ऐसे लगा कि व्हाई नॉट आई शेयर दैट नॉलेज टू यू पीपल। एंड मेरा एक ही मोटिव है कि आपको भी फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए। अभी जो स्कूल में हो रहा है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, तो उसके साथ भी अगर थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन हो जाएगा तो मैं बोलता हूँ कि इंडिया में अगेन ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन तैयार होंगे। सो मेरा अगेन नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम।